प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चले बच्चों, आज हम लोग जो नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए जो है हौसले के साथ हम जो नया चैप्टर का स्टार्ट करेंगे बेटा। उस चैप्टर का जो नाम होने वाला है वो होने वाला है बेटा मेटलर्जी, जिसका चैप्टर नंबर 6 की मैं बात कर दूं। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 6 जो है स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बच्चा, जिसका नाम क्या होता है, तत्वों का निष्कर्षण, तत्वों का निष्कर्षण एवं प्रक्रम इस चैप्टर का नाम है। इसको मैं इन शॉर्ट एक वर्ड में बोलूं प्यारे बच्चों, तो उसको बोला जाता है मेटलर्जी, धातु कर्म बोला जाता है। वो हम लोग धातु कर्म यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले भैया बच्चों का नाम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भैया हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सारे बच्चों को मैं वापस से क्लियर करा दूं, हम लोग बच्चे क्या कर रहे हैं, कक्षा 12वीं का जो रसायन है उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 जो है बेटा वो हम लोग आज करने वाले हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे। मैं आप लोग को पूरा धातुओं की जो रहस्यमयी दुनिया है बेटा वहां पर सफर कराने वाला हूं। क्लियर है सारे बच्चों को? तो आप लोग सबसे पहले भैया पेन पेपर लेके, कॉपी लेके, सीट बेल्ट बांध के तैयार हो जाइए। क्लियर है? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं फटाफट। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बोलूंगा भैया, हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, अपना कंसेप्ट बनाते हैं, अपना बेसिक्स बनाते हैं। सबसे पहले लेक्चर होने वाला बच्चा बेसिक्स के ऊपर होने वाला है। मतलब भाई आज का जो लेक्चर होने वाला है सारे बच्चों के लिए फायदे का सौदा होने वाला है। क्या बोला भाई साहब? फायदे का सौदा होने वाला है, क्योंकि आज ही हमारा क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्लासेस है। क्लियर है सारे बच्चों को? देखो भाई, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक्स, जो हम पढ़ने वाले हैं अवधारणाएं पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद ना प्यारे बच्चों अपन लोग करने वाले हैं एस्को का सांद्रण। क्या बोला बच्चा? एस्को का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना बच्चे मैं आपको जो एक बड़ा सा हेडिंग दे दिया हूं, बड़ा सा टॉपिक दिया हूं, क्या दिया हूं, एस्को का सांद्रण। और इसके अंदर ना बच्चे जब जाओगे तो चार मेथड आते हैं। ठीक है, चार मेथड आते हैं, उन चारों मेथड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वो चार मेथड ना प्यारे बच्चे क्या होता है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जबरदस्त टॉपिक, मैं कराऊंगा, मजा आएगा करने में। ठीक है, चलिए भाई साहब इसके बाद आगे मैं बढ़ूंगा बच्चे। अरे आगे बढ़ूंगा तो क्या दिख रहा है अपन को, यहां एस्को का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में बात करेंगे, जहां पे धातु को निकाला जाता है खदान से और उसको कैसे साफ किया जाता है, पूरे प्रोसेस के बारे में यहां पे सीखने वाले हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, पूरा प्रोसीजर सिखाऊंगा कि कैसे चीजें होती है। ठीक है, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बच्चे आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल फ्लो वहां पर आपको नहीं टूटने दूंगा, ध्यान रखिए बच्चे। ठीक है, चलिए भाई साहब अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। उसके बाद मैं बट्टे आप लोग को जो है रिफाइनिंग पढ़ाने वाला हूं, शोधन पढ़ाने वाला हूं। किसका भैया? धातु के बारे में। धातु का हमारा पूरा चैप्टर क्या है, धातु के बारे में ही है। ठीक है, मेटल्स के बारे में है, तो हम लोग किसका किसके बारे में पढ़ेंगे भैया, नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ी ना पढ़ेंगे, है ना, धातु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो धातु यहां पर पढ़ने वाले हैं, समझ आया? लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा शोधन रहेगा, ठीक है, प्यूरिफिकेशन रहेगा। इसमें मैं दो टॉपिक कराने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार आए हुए हैं और बच्चे वो आ सकते हैं। ठीक है, मैं वही पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर जो है हम करने वाले हैं। वापस हम कुछ यहाँ पे बड़ा बड़ा भयंकर सा कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया? चलिए बच्चे फटाफट बढ़ते हैं। हमारा आज का जो फंडा रहेगा, हमारा आज का जो बेसिक्स रहेगा बेटा, आपको जो है बचपन में पढ़े हुए हैं, बचपन मतलब आपने 6 महीने पहले पढ़ा हुआ होगा कि भाई साहब क्लासेस में पढ़ी होगी, खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है। प्यारे बच्चों आप लोग क्या करिए, कमेंट सेक्शन में फटाफट से नोट कीजिए, लिख दीजिए भाई फटाफट, मजा आएगा। देखो ध्यान से देखो, हमारा जो खनिज क्या होने वाला है बच्चा, खनिज क्या होने वाला है और अयस्क क्या होने वाला है, इससे पहले मैं आपको जो है एक स्टोरी बता देता हूं, आपको मजा आएगा सुन के। भाई केजीएफ देखे होंगे लोगों ने क्या, बहुत भैया केजीएफ देखा होगा। केजीएफ में क्या होता है, जो हमारे रॉकी भैया होते हैं, रॉकी भैया क्या करते हैं, रॉकी भैया इस माइने में, गोल्ड की माइन में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि वहां पर सोना है। क्या बच्चा? सोना है। ठीक है, केजीएफ मतलब कुलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, तो वहां पर रॉकी भैया जाएंगे, क्या कर रहे हैं रॉकी भैया क्या लेने, सोना लेने। ठीक है, अब सोना लेने गए तो ये कहां पर है बच्चा, माइन में है, खदान पे है, इस तरीके से खदान में है। अब खदान से क्या करेंगे, उसको लेके तो आएंगे भाई, क्या करेंगे, लेके आएंगे। अब लेके आएंगे क्या, इसको मार्केट में सीधा जाके बेच दें, है ना, मार्केट में जाके सीधा बेच दे क्या, नहीं ना भाई, क्या करेंगे, ऐसा बेचेंगे नहीं, क्या, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इंप्यूरिटी होगी, अशुद्धियां होगी। क्या होगी बच्चे? अशुद्धियां होने वाली है। उस अशुद्धियों को अपन को पहले हटाना तो पड़ेगा ना, उस अशुद्धियों को पहले अपन को हटाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, तभी तो मार्केट में बिकेगा वो। ठीक है, तभी तो मार्केट में बिकेगा। तो वही बिकने के पूरा प्रोसीजर, उसको सफाई का पूरा प्रोसीजर को हम बोलेंगे निष्कर्षण। क्या बोलेंगे बच्चा? निष्कर्षण, एक सिंपल सा वर्ड बोलूंगा। ठीक है, एक्सट्रैक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चा, किसी भी धातु को साफ सफाई करने का जो प्रोसेस होता है ओवरऑल, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण बोलेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, यहां पर डेफिनेशन याद करने के लिए आपको कोई लोड नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस रॉकी भैया बन के भैया अपना एग्जाम्स में डेयर बना के भाई सिर्फ आंसर लिख के आना। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगी, समझ लो ध्यान से बच्चे। ठीक है, देखो चलो
चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो भाई क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में जो क्या होती है, खनन होती है, ठीक है, खुदाई होती है, उसके यहां से हमको मेटल्स मिलते हैं। मैं गोल्ड की बात किया, वहां पे आयरन के भी मेटल्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा मत बोल देना भैया कमेंट सेक्शन में, सर गोल्ड के जो है खदान में आयरन कैसे मिलेगा? भाई खदान तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, आयरन के भी हो सकते हैं, गोल्ड के भी हो सकते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। मैं आपको जो ओवरऑल माइंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो माइंस की बात करूं बेटा, माइंस में क्या होते हैं, माइंस से जब मेटल निकाला जाएगा तो निकालने के बाद उसको इस प्रकार से ट्रॉली में लेके जाया जाएगा, ठीक है, ट्रॉली में लेके जाएगा, उसको सफाई करेंगे, सफाई करने के बाद उसको मार्केट में बेच देते हैं। यही प्रोसीजर होता है पूरा का पूरा, ठीक है। उसी प्रोसीजर को इस पूरे चैप्टर ओवरऑल पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्लियर सारे बच्चों को। अब एक मुद्दा आता है भाई सर, क्या हम लोग यहां पे एस का और के बारे में सीख गए? नहीं ना, नहीं सीखे हो प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया ही नहीं है, कैसे सीख जाओगे, ठीक है। अब सिखाते हैं, देखो, ठीक है, फटाफट देखो, देखो भाई साहब, हमारा जो खनिज जो होता है, जो मिनरल, इसको अपन बोलेंगे मिनरल, ठीक है। मैं अगर कभी भी इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर कहने के मतलब इस चैप्टर पूरा ओवरऑल चैप्टर के अंदर, ठीक है, खनिज को मैं खनिज को हम लोग मिनरल बोल दूं या फिर जो है अयस्क को और बोल दूं, तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि ये इसका इंग्लिश नेम है, ठीक है, समझ में आया? अब देखो भाई, ठीक है, समझ में आया। अब अयस्क की मैं बात करूंगा और खनिज के बारे में बात करता हूं। जब भी आप कोई भी धातु को, मैं क्या बोला, जब भी आप कोई भी धातु को क्या करोगे, खदान से माइन से लेके आओगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है अभी उसमें, कुछ भी प्रोसेस नहीं किया अपन, सिर्फ लेके आए, ठीक है, सिर्फ लेके आए और उसको जो है लाके रख दिए, तो वो हमारा क्या होने वाला है, खनिज होने वाला है। क्या होने वाला बेटा? खनिज होने वाला है। मैं बता दूं भैया, मोंटू भैया को भेज देंगे। किसको भेजेंगे? मोंटू भैया को खदान में। और भैया वो क्या करेगा, यहाँ पे गोल्ड रखा रहेगा, अब एक थोड़ा सा कोने में गया, ठीक है, थोड़ा सा खोजा 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 खोजा, क्या करे, खोजेगा, अब खोजा तो उसको गोल्ड मिला, उसको एक बाल्टी में रख लिया, हाथ में रख लिया, ठीक है, फिर दूसरा दिखा, फिर उसको हाथ में रख दिया, और हाथ में रख के भैया आपको सामने रख दिया, ये लो सर इतने सारे गोल्ड है, तो वो गोल्ड क्या ओर हो जाएंगे, क्या एस्क हो जाएंगे? नहीं, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, उसके पीछे का रीजन मैं बताऊंगा, ठीक है। वो क्या होंगे बेटा, हमारे जो है क्या, हाँ, वो बच्चे क्या होने वाले हैं, हमारे खनिज होने वाले हैं, मिनरल होने वाले। इसका डेफिनेशन लिख दें तो देखो बच्चे क्या होना है, प्रकृति, प्रकृति में पृथ्वी के तल में, मतलब खदान पे ही बात हो रही है, ठीक है, पृथ्वी के तल में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ ही क्या कहलाएंगे बेटा, ठीक है, रासायनिक पदार्थ ही होते हैं, वही हमारे मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं। अब अयस्क की बात पे आते हैं, अयस्क क्या बोलता है अपन को, अयस्क जो हमारा ओर जो है क्या बोलता है, जिस खदान में धातुओं का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक, भैया सिंपल सी बात है, जिस खनिज से, जिस खराज खरा नहीं सॉरी भैया क्या था मैंने गलत पढ़ दिया यहां पे, ठीक है, जिस खनिज से धातुओं का, जिस खनिज से धातुओं का निष्कर्षण भैया मतलब उससे साफ सफाई करने पर, उसको साफ सफाई करने पर क्या था बेटा, कम खर्चा लगता है, ठीक है, उसको साफ सफाई करने में मेरे को कम खर्चा लगेगा, उसको कम खर्चे के बाद मैं जब बेचूंगा तो मेरे को बहुत सारा पैसा मिलेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा बच्चा, ओर कहलाएगा, वही धातु अपना क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं बोलूं बच्चे, ठीक है, आपने क्या किया, आप जो कभी भी आपने जब देखा होगा, ठीक है, कि बाड़ी जब बोई जाती है, ठीक है, जहां पर सब्जियां उगाई जाती है, तो उस सब्जियों में क्या होता है बेटा, ठीक है, सब्जी को जब अपन डालते हैं तो उसका जो कॉस्ट आएगा, ठीक है, मान लो उसका जो कॉस्ट आ गया, ठीक है, उसका जो कॉस्ट है 2 रुपए का कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, जब उसको बोए तो 2 रुपए का कॉस्ट आया, ठीक है, जब उसको साफ सफाई देख रेख सब कुछ करने के बाद क्या होता है, उसको बेचते हैं 40 रुपए में, तो वो जो प्रॉफिट बनता है अपन को, जो है जो प्रॉफिट बना, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक अयस्क की तरह बन जाएगा, ठीक है, और की तरह। ये तो बड़ा गंदा सा एग्जांपल था, आप लोग फिर समझ जाइए, ठीक है, क्लियर है हर बच्चों को, समझ में आया। अगर मैं धातु के बारे में बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो मिनरल्स क्या होंगे अपन को, जहां पे बॉक्साइट हेमेटाइट ऐसे जो हमारे को मिल रहे होंगे, जहां पे आयरन भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है सारे बच्चों को, ठीक है, समझ में आया। मैं अयस्क के बारे में बात करूं तो बॉक्साइट क्ले, ये हमारे क्या होने वाले बच्चे, ये हमारे जो है क्या होने वाले, अयस्क होने वाले। इसके मैं जो आपको बहुत सारे अयस्क कराऊंगा भाई, बहुत गजब तरीके से कराऊंगा, ठीक है, हम जो यहाँ पे बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे, और ये तो भैया फंडामेंटल क्लास है, क्या बच्चा फंडामेंटल क्लास है, ठीक है, समझ में आया। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, क्या सर अपन जो है जब माइन से जो है धातु को लेके आएंगे, तो उस धातु को क्या हम जो सीधा बेच दें, क्या सीधा उसको पानी में धो दें और बेच दें क्या? नहीं ना बच्चे, क्या करेंगे, उसको सबसे पहले क्रश किया जाता है, क्या बच्चा मैंने बोला, क्रश। ये भैया क्रश आपके जो है जो क्रश की तरह नहीं है भाई, क्या है ये, आपके क्रश की तरह नहीं है, ये क्या होगा, यहाँ पे तोड़फोड़ मचेगी, क्या होगा भैया, उस धातु का तोड़फोड़ होगा, मतलब तोड़ जाएंगे, काटे जाएगा, ठीक है, द क्रश होगा इसका, ठीक है, ठीक है, अब क्रश होगा तो भैया यहाँ पे कई बच्चों को जो अपनी क्रश की याद आ रही होगी, ठीक है, अपनी क्रश की याद होगी, तो भैया यहाँ पे याद कर लो, क्या जाता है भाई, याद कर लो थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आया। चलो
अब धातु जो हमारी है, धातु जो हमारी क्या होगी, वो क्रश होगी, ठीक है, अब क्रश होगी भाई, ठीक, अब क्रश होने के बाद क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन होगा उसका, क्या होगा बच्चा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रण, क्या होता है बच्चे, सांद्रण, ठीक है, मैं इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ लेके चल रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक है, इसका होता है सांद्रण, ठीक है, मतलब मैं बोलूं कि सांद्रण किसका होगा बेटा, ओर का होगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ओर ओरा होगा, ठीक है, पहली बात, पहला सबसे पहला पहला स्टेप बच्चे यहां पे क्या होगा, कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, क्रशिंग होगी, क्रशिंग के बाद जो है कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन के बाद बच्चे क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब भैया अपचयन होगा, क्या होगा बच्चा, अपचयन होगा, उसमें जो हमारा जो है ऑक्सीजन जो होगा वो यहां से निकाल लिया जाएगा, रिडक्शन में होता क्या है, ऑक्सीजन निकल जाती है, अपन ने पढ़ा हुआ है मैटर, वो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, समझ आया ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो यहां से अपचयन मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगी, अब ऑक्सीजन जब निकलेगी तो वो कौन से फॉर्मेट में आ जाएगा, प्योर फॉर्मेट में, प्योर फॉर्मेट में आएगा तो आएगा तो, लेकिन उसमें कुछ कुछ ना कुछ इंप्यूरिटी रहेगी रहेगी, कुछ ना कुछ इंप्यूरिटी रहेगी रहेगी, मान लो एग्जांपल फॉर्म में बताता हूं, यहां पे आपको जो है, यहां पे आपको जो है 90% जो है प्योर लोहा मिल रहा है कंसंट्रेशन करने के बाद, ठीक है, प्योर लोहा मिल रहा है, लोहे की एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ठीक है, अब देखो यहां पे आया हमको जो 95% प्योर लोहा मिला, ठीक है, लेकिन यहां पे प्यूरिफिकेशन करने के बाद मेरे को 99% प्योर लोहा मेरे को मिल जाएगा, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है सफाई का, क्लियर है सारे बच्चों को, ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस को मैं बहुत अच्छे ब्रॉड वे में बताने वाला हूं, बस समझते जाना, उसको कॉपी के अंदर लिख लेना एक बार, जिससे ही पूरा चैप्टर को जो है समझने में आपको ईजी हो जाएगी, ठीक है, समझना बच्चे ध्यान से देखो, ठीक है, इसको बात करूंगा मैं धातु का निष्कर्षण के बारे में, जब भी हम धातु के, ये पूरा ओवरऑल धातु का निष्कर्षण की बात है भाई, क्या है धातु का निष्कर्षण, जहां पे मैं आयरन की बात नहीं कर रहा, ना तो कॉपर की बात कर रहा, ना तो मैं जिंक की बात कर रहा, समझ में आया, मैं किसी भी मेटल की बात नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक मेटल की बात नहीं, पूरा ओवरऑल धातु के बारे में बात कर रहा, अगर मैं हमको जो जिंक के, जिंक जो है एक्सट्रैक्शन करना होगा, निष्कर्षण करना होगा, तो भी यही प्रोसेस लेके जाएगा, ठीक है, उस मेटल मेटल के हिसाब से, ठीक है, मेटल मेटल के हिसाब से, ठीक है, अगर मेरे को आयरन करना होगा तो भी यही प्रोसेस लेके जाएगा, तो यही ओवरऑल पूरा जो हमारा क्या होगा जनरल फॉर्मेट होगा कि कैसे काम चलता है मेटलर्जी के अंदर, सबसे पहले बच्चे हमारा क्या होगा क्रशिंग होगा, आपका मेरा सबका क्रश कौन होने वाला है भैया, जो भी हो, ठीक है, क्या होने वाला है, क्रश होने वाला है, इसी प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं पल्वराइजेशन, एक बात याद रखना, इसी जो क्रशिंग का जो वहां पे प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पल्वराइजेशन, क्या बच्चे, पल्वराइजेशन, सारे बच्चों को क्लियर है, समझ में आया फटाफट, चलो ठीक है, अब देखो अयस्कों का सांद्रण अपन यहां पे करने वाले, अयस्कों का क्या करने वाले, सांद्रण करने वाले, और उस अयस्क के सांद्रण के अंदर हमको जो है चार मेथड मिलते हैं बच्चे, कितने मेथड, चार मेथड मिलते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है अभी थोड़ा सा सस्पेंस है, थोड़ा सा सीक्रेट है भैया यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी हम यहाँ पे जो रहस्यमय जो है टॉपिक जो है मैं कराऊंगा, वो टॉपिक आप लोग जो है पढ़े जरूर हो, लेकिन भैया उसको समझ में नहीं आएगा बच्चों को, ठीक है, वो कंसेप्ट हम समझेंगे आने वाले लेक्चर में, फिलहाल इस लेक्चर में नहीं समझने वाले, ठीक है, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी के ऊपर होने वाला है, इसी के ऊपर होगा, क्लियर है सारे बच्चों को, मजा आया, अब तो हमारा जो तीसरा स्टेप होना, ये तो दो स्टेप हो गए यहाँ पे, अब जो तीसरा स्टेप होगा, ठीक है, तीसरा स्टेप होगा, इसके अंदर क्या होने वाला है, जो ओर आएगा यहां से कंसंट्रेशन करने के बाद जो धातु आएगी, जो ओर आएगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडाइज में कन्वर्जन होगा, ऑक्सीडाइज में कन्वर्जन होगा, मतलब यहां पे ऑक्सीजन का एड ऑन हो जाएगा भाई, जब ये प्रोसेस होगा तो यहां पे ऑक्सीजन एड ऑन हो जाएगा, अब देखो जहां पे, देखो यहां पे दो प्रोसेस एक आती है, पहले क्या होता है निस्तापन, जिसको अपन बोलते हैं कैल्सिनेशन, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कैल्सिनेशन बोलेंगे, और दूसरा जो प्रोसेस आएगा हमारा क्या होगा, रोस्टिंग आएगा, कैरेमिनाटी वाला रोस्टिंग नहीं भाई, यहाँ पे कैरेमिनाटी वाला रोस्टिंग नहीं चल रहा, ठीक है, यहाँ पे क्या चलेगा, रोस्टिंग, इस धातु को अपन क्या कर देंगे, भून देंगे पूरा, ठीक है, भूनेंगे, अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद में क्या होगा भैया, हमारा स्टेप नंबर जो फोर है, चौथा जो प्रक्रम होने वाला है, वो वहां पे क्या होगा, जो एस के यहां से मिले होंगे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से, वो क्या होंगे बच्चे, उसका जो है ऑक्साइड का जो है धातु में कन्वर्जन हो जाएगा, यहां पे क्या मिला था, ऑक्साइड्स मिले थे ना अपन को, धातु का ऑक्साइड्स, उस ऑक्साइड का क्या होगा, धातु में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो मैं क्या इस प्रोसेस को पूरा रिडक्शन बोल दूं, इस प्रोसेस को पूरा रिडक्शन बोल दूं, सारे बच्चों को समझ में आएगा ना पक्का, ठीक है, देखो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन प्रोसेस के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं बेटा, प्रगलन यूज करने वाले, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे स्मेल्टिंग, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, स्मेल्टिंग बोल रहे होंगे, समझ में आया, बिल्कुल गजब तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है, चलो अब देखो यहां से जो मेटल आया है, उस मेटल जो हमारा जो ऑक्साइड से धातु तो मिले, लेकिन धातु में थोड़े बहुत और इंप्यूरिटी होंगे ही होंगे, तो उस इंप्यूरिटी को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चा, प्यूरिफिकेशन का यूज करेंगे, धातु का शुद्धिकरण या फिर जो है शोधन यूज करेंगे, उसके अंदर बच्चे हमारे पास जो बुक के अंदर आठ
सात या आठ जो है, हाँ सात या आठ जो सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, सब जो है हमको जो है टॉपिक्स दिए हैं, उस सारे टॉपिक्स को पढ़ने की हमको बिल्कुल नीड नहीं है। हम जो है ओवरऑल यहाँ पे सारे टॉपिक्स नहीं करने वाले, ना तो मैं कराने वाला हूँ। क्यों नहीं कराने वाले सर? इसके पीछे ये रीजन है प्यारे बच्चों की, ये जो पूरा सीरीज है क्या है, एग्जाम बेस्ड सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो मैं कराने वाला हूँ, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और उसके गजब तरीके से बच्चे एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। सारे बच्चों को समझ आए तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स कराऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा, बाकी चीजें नहीं कराऊंगा। क्लियर है सारे बच्चों को? देखो यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा बेटा क्या आएगा, द्रवण आएगा, ठीक है। ये द्रवण आएगा, द्रवण मेथड, उसके बाद प्रभाजन, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण, वाष्प प्रवस्था, क्रोमेटोग्राफी, जो आपके लिए बच्चे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी और मंडल परिष्करण बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी और जोनल रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, ये जो होता है बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना के रख दो। इस चैप्टर के अंदर स्टार टॉपिक्स मैंने बताया नहीं अभी तक, ठीक है। ये जो है बच्चे आपके लिए स्टार टॉपिक है, ठीक है। दो टॉपिक हमारे क्या है, क्रोमेटोग्राफी और जोनर रिफाइनिंग, हमारे लिए स्टार टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में है? और ये जो हमारे रहने वाले बेटा जो चार स्टार मैंने बनाए, ये हमारे क्या होंगे, स्टार टॉपिक होंगे। इस प्रकार से बच्चे अपने पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझ लिया कि क्या चीजें हम लोग कंसेप्ट को कैसे लेके जाने वाले हैं। एक हिसाब से मैं बोलूं बच्चे तो ये पूरा जो है एनालिसिस होगा पूरा चैप्टर का, कैसे हम यहां पे फ्लो करने वाले, कैसे हम पढ़ने वाले हैं। सारे बच्चों को समझ में आया? फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है भाई कर लो, ठीक है। चलो लिख लो भाई, गजब मजब समझ आया। चलिए थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, ठीक है, हम ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे ऑक्साइड्स कैसे कैसे बनते हैं सर, ठीक है। ऑक्साइड्स क्या क्या बनते हैं, ऐसे कौन कौन से मेटल जिनका ऑक्साइड बनता है, तो उसके बारे में मैं पहले बात कर लेता हूं। ये जो पॉइंट है ना बेटा, यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी ये स्लाइड पे, इसके आने वाले स्लाइड पे, वो आपके कॉम्पिटेटिव लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, वापस से सुन लो, ये जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे जो है एलिमेंट लेके आया हूं, ऐसे पिटारे लेके आया हूं बच्चे, ऐसे खजाने लेके आया हूं, जो कि आपको जो है ये पूरे ओवरऑल जो है मैं जो कराऊंगा उसके ऊपर थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे ये सारी चीज, इसलिए मैं इसको यहाँ पे करा रहा हूं। समझ में आया सारे बच्चों को? देखो भाई साहब, ठीक है, अब मैं नेटिव ओर की मैं बात करूं प्यारे बच्चे, तो नेटिव ओर मतलब क्या होता है, हमारे जो आसपास के अयस्क होंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे क्या होते हैं, जो अयस्क हम जो फ्री स्टेट में होते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, वो हमारे नेटिव ओर्स हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए बच्चे एजी, एयू, पीटी, ये क्या होंगे, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हमको पता है ना, हमने अपन ने क्या पढ़ा हुआ है धातु अधातु में, जो कक्षा दसवीं में हमारे पास जो है एक क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का अरेंजमेंट आता है। सबसे पहले हमारा जो है पोटेशियम रहता है, उससे पहले लिथियम भी होता है, ठीक है। तो अपन यहां पे जो है एजी, एयू और पीटी जो हमारा जो क्या होने वाला है, लिस्ट रिएक्टिव, कम जो है सक्रिय मेटल होने वाला है, जिससे कारण क्या होगा बेटे, ये फ्री स्टेट में रहता है, ये कम सक्रिय, मतलब इसे कोई दोस्ती ही नहीं कर रहा। अब कोई दोस्ती नहीं करेगा तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा भाई, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे क्या है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है और जो हमारे फ्री स्टेट में रहते हैं। समझ में आया? दूसरी बात करूंगा ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज और मतलब भाई ऑक्साइड्स का अयस्क होने वाले, मतलब ऑक्सीजन का एड ऑन रहेगा इसमें, क्या होगा भैया ऑक्सीडाइज, जैसे कि ZnO में, ZnO हमारा मेटल, उसमें ऑक्सीजन एड है, हमारा जो Fe आयरन उसमें जो है CO3 कार्बोनेट्स है, ठीक है, सॉरी क्या है, कार्बोनेट्स है, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सी सॉल्ट भी बोलेंगे, ठीक है, ऑक्सी सॉल्ट भी लिखा हो कभी भी बुक में अंदर तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अब मैं सल्फर ओर की बात करूं, ठीक है, सल्फर ओर, सल्फाइड ओर, जिसका जैसे भी बोलना बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सल्फर के ओर्स की मैं बात करूं, एस की बात करूं, तो यहां पे क्या होने वाला है, ये जो मेटल दिख रहा है FePbHg, ठीक है, ZN, ये जो मेटल दिख रहा है बच्चे आप लोगों के लिए जो है इसको याद रखना है, क्योंकि इसके सल्फर ओर्स होते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब हैलाइड्स की बात करूं, तो हैलाइड्स क्या होंगे, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं या फिर जो है एल्यूमिनियम है, ऐसे मेटल्स हमारे क्या होने वाले, हैलाइड्स होने वाले हैं। समझ में आया? ठीक है, इस डब्बे को आप लोग बच्चे थोड़ा सा जो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको चाहे वैसा कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये डब्बे का सबसे पहले बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इस डब्बे का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं यहां पे एक्सप्लेनेशन दूंगा कैसे चीजें होती है, ठीक है, फटाफट। तो क्या हुआ बच्चा, समझ में आया? अब देखो बॉक्साइट की मैं बात करूंगा, एल्यूमिनियम की मैं बात करूंगा, सबसे पहले एल्यूमिनियम, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ, क्या होने वाला बच्चा, हमारा एल्यूमिनियम होने वाला, मतलब एल्यूमिनियम जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हमारा धातु होता है, ठीक है। एलिमेंट की बात करेंगे तो 118 एलिमेंट में तीसरे नंबर पर आता है, और धातु की बात करेंगे तो पहले नंबर पर आता है। समझ में आया बच्चा? ठीक है बच्चा, समझ में आया। अब एल्यूमिनियम की मैं बात कर दूं, तो एल्यूमिनियम में ना प्यारे बच्चों क्या होता है, कुछ ना गजब का चीज होता है इसमें, क्या होता है, बॉक्साइड होती है, क्या होती है बच्चे, बॉक्साइड होती है, और ये जो बॉक्साइड हमारा क्या है, मोस्ट अबंडेंट मेटल है, मतलब पूरे जो है दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हमारा यही धातु है, और ये धातु जो है तीन तरीकों में पाए जाते हैं बेटा,
इस बॉक्साइट के अंदर भी तीन जो है कॉन्सोनेंट्स होते हैं बच्चे, सो तीन जो है प्रकार होते हैं। उस प्रकार के मैं जब तब बात करूंगा जब हम लोग जो है ये पूरा एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं वहां पे बता दूंगा। समझ में आया? ठीक है। अब देखो भाई, इसका जो फॉर्मूला क्या होने वाला है, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा सर? Al2O3 ये हमारा क्या होगा, बॉक्साइट का फॉर्मूला होने वाला है। समझ में आया? ठीक है। अब आयरन की मैं बात करूं, आयरन सबसे ज्यादा हमारे जो है ठीक है यूजफुल जो हमारा मेटल हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि हम जहां पे भी देखें हमारा आयरन ही दिखता है। ये वाला आयरन नहीं बाबा, अपन जो रॉड पे लगा रहता है वो आयरन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो वाला आयरन। समझ में? यहां पे हम ओर्स की बात करूंगा, मैं आयरन की एस्क की बात करूंगा। तो सबसे पहले ऑक्साइड ओर्स में क्या होगा पहले बच्चों, हमारा हेमेटाइट आ जाएगा। क्या होगा बच्चा? हेमेटाइट आ जाएगा। ठीक है, हेमेटाइट आ गया। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3, सिंपल बात है। ठीक है, मैग्नेटाइट बच्चा, मैग्नेटाइट Fe2O4, O3 के बाद O4 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सीडेराइट की बात कर दूं, Fe CO3, ठीक है, क्या होगा? सीडेराइट। और बच्चे आयरन पाइराइट की मैं जब बात करूंगा तो Fe S2। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा भाई, बहुत सारी चीजें लेकिन याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? अगर कॉपर की बात करूं तो इस प्रकार कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लैंस, क्यूपराइट, ठीक है, मैलेकाइट, ये सारी चीजें होने वाली किसके लिए बच्चे? कॉपर के लिए। ठीक है, कॉपर के लिए होने वाली। और जिंक के लिए बच्चे अपन को जो है यहाँ पे जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और बच्चे क्या होना है, जिंसाइट होने वाला है। समझ में आया? अब यहाँ पे जो है कभी कभी जो है आपको जो है कुछ भी तरीके होते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, वो यहाँ पे अपन डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बच्चे? इसके पीछे रीजन है क्योंकि यहाँ पे हम अपना टाइम नहीं खपा सकते। ठीक है, जितना जानना था बेटा अपन यहाँ पे जान लिए। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ जानने को नहीं है। ठीक है, अब जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लेवल पे आओगे तो बेटा वहां पे बहुत गर्व तरीके से मैं इसको फोड़ने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आया? चलिए थोड़ा फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा बेटा निस्तापन कैल्सिनेशन, जैसे कि मैंने आपको रिडक्शन में बताया हुआ था कि कैल्सिनेशन में क्या होता है सर? ठीक है, कैल्सिनेशन में क्या होता है? कैल्सिनेशन भैया जिसमें कार्बन, सॉरी, जिसमें ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या बोल दिया? जिसमें हमारा जो ऑक्सीजन है पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, वो हमारा क्या होगा बच्चा? कैल्सिनेशन होने वाला है। मतलब इसको जो हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देंगे ना, बिल्कुल बच्चे प्रॉपर जो है फॉर्मेट में लिखते हैं। देखो इस विधि में जो एस्क जो होते हैं, एस्क को धातु के क्या होता है, गलनांक से कम वायु की सीमित। समझ में नहीं आया? देखो एग्जांपल देता हूं भाई, हमारे पास FeCO3 था अभी। ठीक है, FeCO3 था। इस FeCO3 में पहले से ही मेरे को ऑक्सीजन दिख रहा है, पहले से ही मेरे को ऑक्सीजन दिख रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे ऑक्सीजन और डालूंगा? नहीं, मेरे को ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। वो इसके बिना ये अलग हो सकता है? कैसे अलग होगा भैया? देखो ध्यान से, Fe प्लस CO3 इस तरीके से जो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया बिल्कुल प्यारे बच्चों को? ठीक है, गजब तरीके से समझ में आया होगा। अब देखो रोस्टिंग में क्या होता है बेटा, रोस्टिंग जान सुनना। सांद्रित एस्क को वायु की उपस्थिति में अधिकता में गलनांक से जो नीचे के तापमान पर एक भट्टी में गर्म किया जाता है। मतलब भाई सिंपल बात है कि किसी भी मेटल को गर्म करना है अपन को, तो वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होगी। आग जलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की ना, तो वही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं एग्जांपल दूं बेटा आपके पास, ठीक है, ZnS होगा। ठीक है, ZnS है। इस ZnS को मेरे को गर्म करने, तो मैं क्या करूंगा, O2 से रिएक्ट करा दूंगा और मेरे को क्या मिलेगा, ZnO मिल जाएगा और SO2 मिल जाएगा, मेरे को सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। इस तरीके से बच्चे अपन पूरा जो फंडामेंटल्स है यहाँ पे सीख चुके हैं। ठीक है, अब आने वाले लेक्चर पे लेक्चर बहुत गजब तरीके से फोड़ने वाले हैं। हमारे 3 नंबर के लिए जो पहला क्वेश्चन आएगा बेटा, वो क्या हो गया, हाइड्रोलिक सेपरेशन, ग्रेविटेशनल जिसे सेपरेशन बोल देंगे अपन। ठीक है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जिसे अपन बोलते हैं। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों अपन जो है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, मतलब झाग उपलवन विधि पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे। ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को? इस प्रकार से बच्चे हम ये वीडियो लेक्चर में पूरा फंडामेंटल खत्म करते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? आने वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहने वाला, बहुत मजेदार रहने वाला है। अभी के लेक्चर बच्चे हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।